यशोधरा नगर पुलिस की ओर से चलाए जा रहे कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान मिली गुप्त जानकारी के आधार पर दबिश देकर पुलिस ने संत नामदेव नगर गार्डन के समीप खुली जगह पर अंधेरे में छिपकर ज्वेलर्स की दुकान और एटीएम फोड़ने की तैयारी में बैठे दो लोगों को गिरफ्तार किया, जबकि दो लोग फरार हुए हैं। पुलिस आगे की जाँच में जुटी है, ऐसी जानकारी वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक अशोक मिश्राम ने दी। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस को जानकारी मिली थी कि यशोधरा नगर के संत नामदेव नगर गार्डन के समीप वाली खुली जगह पर अंधेरे में कुछ युवक बैठे हैं। पुलिस दल ने जब मौके पर दबिश दी तो कुछ लोग पुलिस को देखकर भागने लगे, किंतु पुलिस ने उनका पीछा कर संतोष नगर झोपड़पट्टी स्वीपर कॉलोनी निवासी आरोपी शुभम उर्फ चुक्का छोटेलाल बिरहा, गरीब नवाज नगर निवासी दशरथ उर्फ गोस नरत्तर साहू को गिरफ्तार कर लिया, जबकि संकर्ष नगर मारुति शोरूम के पीछे निवासी आरोपी शेख सुल्तान वल शेख मोहम्मद शेख उजैर वल शेख याकूब अंधेरी का लाभ उठाकर भागने में सफल हुए। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि ज्वेलर्स की दुकान और एटीएम को फोड़ने की तैयारी कर रही थी। उनके पास से तलवार, बंदूक, मिर्ची पाउडर, नायलॉन की रस्सी समेत 1200 रुपए का माल जब्त कर लिया। हमारा रात में जब कॉम्बिंग ऑपरेशन हमने मतलब इम्प्लीमेंट किया, उस दौरान जानकारी मिली कि संत नामदेव नगर जो है और वहाँ पर एक ग्राउंड है जो विनोबा भावे नगर और मतलब उसके बाजू में ऐसा डैम्पिंग है, तो वहाँ पर ये चार पांच लोग सस्पेक्टेड इसमें कोई मतलब डेंजरस वेपन के साथ घूम रहे, ऐसी जानकारी मिली। इस जानकारी की हमने रेकी किया, कन्फर्म किया, हमारी टीम भेजे और कन्फर्म करने के बाद में हमने डीबी टीम को एक्टिवेट किया। 3 DB की टीम के साथ में उनको धर दबोचा और उन्हें उसमें से दो लोग मतलब वहाँ डार्कनेस रहने के वजह से भगने में कामयाब हो गए, लेकिन उसमें जो चार लोग है मतलब चार आरोपी है इनको हमने अपने ताबे में ले लिया है। थाने में लाने के बाद ट्रेस हुआ है कि ये सब रिकॉर्ड वाले क्रिमिनल्स है और इसमें सब एक जो पहला आरोपी है शेख मोहम्मद करके है, दूसरा है शेख याकूब, तीसरा है शुभम बिरहा और चौथा है दशरथ साहू करके। पुलिस को पता चला है कि उक्त आरोपियों के खिलाफ चोरी, घरफोड़ी, लूटपाट के कई मामले दर्ज है। आरोपियों के खिलाफ भांडवी की धारा 399, 402, 188, 269, 270 के तहत मामला दर्ज किया गया है। कैमरा पर्सन माइकल के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।